क्या आपको भी अभी तक 786 की जानिब से 2000 रुपए का SMS रिसीव नहीं हुआ है? क्या आपको भी 8171 की जानिब से कोई भी इमदादी मैसेज मौसूल नहीं हुआ और आप हकूमत की जानिब से 8171 और 786 प्रोग्राम की जानिब से 16000 रुपए की इमदाद हासिल करना चाहते हैं? तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देख लेना है, क्योंकि हकूमत की जानिब से तमाम गरीब और मुस्तहिक खानदानों को इमदाद तकसीम होना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और आप हकूमत की जानिब से इमदाद हासिल करना चाहते हैं, तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देख लेना, क्योंकि हकूमत की जानिब से 8171 की जानिब से काफी खानदानों को मैसेज नहीं आया, लेकिन फिर भी वो खानदान हकूमत की जानिब से इमदाद रिसीव कर रहे हैं। वो किस तरह अपनी इमदाद को रिसीव कर रहे हैं, आपने ये भी चीज चेक की होगी। आपने किसी भी करीबी बेनजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस के बाहर बहुत ज्यादा रश आपने देखा होगा, उस रश लगने की वजूहत में आपको बताऊंगा और अपनी इमदाद रिसीव करने के बारे में मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल डिटेल आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने इस वीडियो को मुकम्मल जरूर से देखना। तो चलेगा इस वीडियो के जन पर, तो उससे पहले आपसे शुरू से गुजारिश होगी, अगर आप इस चैनल पर नए आज के नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 786 प्रोग्राम। तो 786 पर जिन खानदानों ने मैसेज सेंड किया था, उन खानदानों को काफी को तो मैसेज आ चुका है 2000 रुपए का, काफी खानदानों को मैसेज नहीं आया, लेकिन उनकी जो इमदाद है उनके आईडी कार्ड पर आ चुके, उन्होंने काम किया करना, उन्होंने किसी भी करीबी अल हबीब बैंक यानी कि HBL चला जाना है, वहां पर जाकर अपनी इमदाद को रिसीव कर लेना है। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से इमदाद लेना चाहते हैं, आपके करीब कोई भी बैंक नहीं है, तो आप किसी भी करीबी शॉप जहां पर HBL की डिवाइसेस मौजूद है वहां से अपनी इमदाद ले सकते हैं। लेकिन एक चीज वाजह से याद रख लें कि अगर आप वहां से इमदाद लेने के जा रहे हैं तो एक पढ़ा लिखे इंसान को साथ लाजमी से लेके जाए, क्योंकि रीजन यह है कि काफी लोग जो कि आपके पैसों को चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इमदाद आपके पास शो नहीं हो रही है। अब आता है 8171 की जानिब से जो इमदाद है वो ईद के फौरी बाद तकसीम होगी, लेकिन अगर आप अपने घर बैठे अपनी इमदाद को चेक करना चाहते हैं तो हकूमत की जानिब से एक नया तरीकेकार मुतारिफ करवाया, एक नई एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गया है, उस एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अदरवाइज आप एक वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं numanshahi.com वेबसाइट को ओपन करें, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां से आप एप्लीकेशन के जरिए अपनी इमदाद को चेक करें और वहां पर आपको डेट भी बताएगी कि आपकी ये इमदाद आपको कब तक रिसीव होगी। तो उम्मीद है मुख्तसर से अपडेट मुख्तसर।